हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ड्रिल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है 17-18 फरवरी में जो है एग्ज़ाम होना है यू पुलिस का। वह एग्ज़ाम जो है पास में ही आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी। ए माता तुलसीदास, बी में है चैतन्य महाप्रभु, सी में है गुरु नानक और डी माता है रामकृष्ण परमहंस। तो वह इसका सही आंसर होगा बी, यानी महावीर सॉरी मीराबाई समकालीन थी किसके, चैतन्य महाप्रभु के। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था। ए माता अमीर खुसरो, बी में है चंद्र बरदाई, सी में बिहारी और डी में है भूषण। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद्रबरदाई था। और तराइन का प्रथम युद्ध जो था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गोरी हारा था। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ पटियाला कासगंज में हुआ, कासगंज, यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है। ए माता ठंडी, बी में है गर्म और सी में आता है सामान्य ताप और डी में है बर्फीली। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, कनिष्क की राजधानी थी। ए माता है तक्षशिला, बी में है पुरुषोपुर, सी में कन्नौज और डी में है लोथल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी कनिष्क की जो राजधानी थी पुरुषोपुर थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, निम्न में से एक नकदी फसल है। ए माता गेहूं, बी में है बाजरा, सी में धान और डी में है रबर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी रबर जो है एक नकदी फसल है और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है भारत में इसका रबर का केरल में होता है, यहाँ से भी याद रखना फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है गेहूँ है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है। ए माता गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में कर्नाटक और डी में है केरल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी महाराष्ट्र। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है, यहाँ से भी याद रखना। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, डिजिटल जो राज्य है केरल है, यहाँ से भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ए माता योजना आयोग द्वारा, बी में वित्त मंत्रालय द्वारा, सी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा और डी माता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था। ए माता सरदार पटेल, बी में महात्मा गांधी, सी में मैडम भीमकाजी कामा और डी माता एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था, मैडम भीमकाजी कामा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। ए माता प्यूपा, बी में है इमेगो, सी में है मैगट और डी माता है टैडपोल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी मैगट, मक्खी का जो लार्वा कहलाता है मैगट कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। ए माता 1950, बी में है 1951 में, सी माता 1952 और डी में है 1956। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 1951 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई। संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ए माता न्यूटन और बी माता केपलर और सी में है गैलीलियो और डी में है कोपरनिकस। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी ग्रहों की गति का जो नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने किया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए माता कान, बी में मस्तिष्क और सी में आंख और डी में है पेट। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी अल्जाइमर रोग में जो है मानव का
मस्तिष्क अंग जो है प्रभावित होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए माता रोहतास, बी में है सासाराम और डी में है कलिंजर और डी माता हमारा आगरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी कलिंजर। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा माओरी जनजाति कहाँ निवास स्थान है? ए माता इंग्लैंड, बी में न्यूजीलैंड, सी में आता है ग्रीनलैंड और डी में है आयरलैंड। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी माओरी जनजाति का निवास स्थान जो है न्यूजीलैंड है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? ए माता कुल्टी, बी में जमशेदपुर और सी में हीरापुर और डी में है बर्नपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी कुल्टी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? ए माता यकृत में, बी माता हमारा अमाशय में और सी में है तिल्ली में और डी माता उदर में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ए माता केरल, बी में तमिलनाडु, सी में है कर्नाटक, डी में आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी केरल। पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है केरल में है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ए माता राजस्थान, बी में उत्तर प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी छत्तीसगढ़। नेजा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए माता 8 जनवरी, बी में 17 जनवरी, सी में 15 जुलाई और डी में है 8 सितंबर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ए माता साहित्य से, बी में संगीत और सी माता चित्रकला, डी में है चिकित्सा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1965 से हुई थी यहाँ से, ये भी याद रखना फ्रेंड्स। संगीत के क्षेत्र में जो है एमी अवार्ड दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी उसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।